हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, नीट 2020 को लेके एक बड़ी अपडेट आ रही है, फेज़ टू को लेके। जो बच्चे कोविड-19 की वजह से 13 सितंबर का अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या जो कंटेनमेंट जोन में हैं, उनके लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिलीज किया है कि इन बच्चों का एग्ज़ाम 14 अक्टूबर को कराया जाए, यानी परसों, है ना। 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम कराया जाए और 16 अक्टूबर को इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अभी डिसीजन आया है कि नीट 2020 की दूसरी फेज कराई जाए उन बच्चों के लिए जो कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए या कंटेनमेंट जोन में होने की वजह से एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए। इसकी बाकी जो डिटेलिंग है वो एक वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं, कौन से बच्चे इसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं। इसकी सारी जो डिटेलिंग है मैं जल्दी ही इसके बारे में एक वीडियो बना के आपको बताऊँगा। तो और फिलहाल एक तो न्यूज़ आप जानते हैं कि नीट 2020 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अगर अक्टूबर 16 को इन बच्चों का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि इस रिजल्ट को भी पोस्टपोन किया जाए। जो 12 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है, ये रिजल्ट 16 अक्टूबर को ही रिलीज किया जाए। तो इसके बारे में जो भी अपडेट है जल्दी ही आपको मैं बताऊंगा। बेस्ट ऑफ।